हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो शेयर करने वाला हूँ कैलेंडुला के रिलेटेड। पहले तो ये देखिए मेरे प्लांट्स, ये देखिए मैं कैलेंडुला के सीड्स है मेरे पास, मैं आज ये लगाने वाला हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप लगाएं बहुत ही इजी वे से। मैं 7-8 डेज ज़रूर लेट हो गया हूँ, बट ये जो वेदर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इस बार क्या हुआ था, मेरे पास कैलेंडुला के सीड्स भी नहीं थे, जो मेरे पास पिछली बार के जो मैंने कलेक्ट कर रखे थे वो गुम हो गए और मुझे नहीं मिले। तो हार्डली मेरे फ्रेंड से मुझे कैलेंडुला के सीड्स मिले और बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में मिली है। ये देखिए मैंने सॉइल, गार्डन सॉइल होती है, बट मैंने इस बार फार्म की सॉइल यूज़ की है, बिकॉज ये सॉइल बहुत ही वेल ड्रेन होती है और बहुत भुरभुरी सी होती है, जो कि सीडलिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारा जो घर है वो फार्म्स के बहुत नियर है, खेत की मिट्टी है ये, तो इसमें वैसे भी बहुत तरह की खादें पड़ती रहती हैं, क्योंकि जो फार्मर्स आपको क्रॉप्स लगाते हैं तो वो लोग बीच में गोबर की खाद हर 6 मंथ्स के बाद लगाते रहते हैं, DAP हो गई और काफ़ी तरह के वो लोग जो खादें होती हैं वो यूज़ करते रहते हैं। और ये जो सॉइल है ये बहुत ही अच्छी और न्यूट्रिएंट्स वाली है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। और ये देखिए वर्मिंग कंपोस्ट है, तो यहाँ पर अगर आप कैलेंडुला के सीड्स लगाना चाहते हैं, पहले जो मिट्टी होगी वो चारों तरफ से आप क्या कीजिए, पूरी तरह से उसको भुरभुरी सी कर ले, मीन्स ज़्यादा उसमें बड़े बड़े स्टोन्स नहीं होने चाहिए, मिट्टी के जो स्टोन्स वो स्टोन्स नहीं है, मीन्स जो ईंटे की तरह होते हैं या स्टोन्स होते हैं जो हम एक्वेरियम के लिए भी यूज़ करते हैं, और कंक्रीट स्टोन्स वो वाले स्टोन्स नहीं होने चाहिए। और जो मिट्टी होनी चाहिए वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें आप सैंड यूज़ कीजिए, सैंड यूज़ करेंगे तो पानी नहीं रुकेगा। और आपकी जो ये मिट्टी है, कम से कम आप इसमें जो गमला का ये कम से कम 3 से 4 इंच हो, कि ज़्यादा अगर आप पानी भी डाल दें तो वो नीचे चला जाए। और ये देखिए मेरे पास कैलेंडुला के सीड्स हैं, और ये जो मिट्टी है ये ना ही तो ज़्यादा सूखी है इस वक्त और ना ही ज़्यादा गीली है, वेल मॉइस्ट है। और ये देखिए कैलेंडुला के सीड्स, और ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट। आप इनको दूर दूर करके लगाएं, ये देखिए जैसे पास पास भी गिर जाते हैं, बिकॉज जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं, कई बार क्या होता है हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं तो एक के ऊपर प्लांट एक और हो जाता है, उससे क्या होता है आपके एक बार तो आपके सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं, उसके बाद में उनको जगह नहीं मिलती अपने रूट्स को डेवलप करने के लिए, तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए मैंने ये सीड्स डाल दिए और कोई भी सीड्स किसी भी सीड्स के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, ऐसे ही आप डालें और इससे ज़्यादा क्वांटिटी मत डालें, और पॉट यूज़ कर लीजिए बट ज़्यादा क्वांटिटी मत डालिए। उसके बाद में जो आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है या आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है, कोको पीट है या दोनों है तो मिक्स कर लें। मेरे पास कोको पीट नहीं है तो मैं सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट ही डालूँगा, बहुत ही हल्की हल्की आपने वर्मी कंपोस्ट डालनी इनके ऊपर। वर्मी कंपोस्ट डालने के बहुत से फ़ायदे हैं, फर्स्टली फ्रेंड्स ये फंगीसाइड है, इससे फंगस भी नहीं पड़ेगी आपके प्लांट्स को, और सेकेंडली इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं, इसमें फास्फोरस, पोटाशियम और भी कई तरह के जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप कोकोपीट यूज़ करेंगे उसके ये फ़ायदे हैं कि कोकोपीट्स के साथ जो ऊपर वाली लेयर होती है वो अगर आप पानी कभी कम डाल देते हैं तो सख्त नहीं होती है, बट कोकोपीट का एक ड्रॉबैक भी है कि वो पानी को होल्ड कर कर रखता है, जिसके साथ अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो आपका जो प्लांट्स हैं उनको फंगस लग सकती है, सीड्स से वो गल सकते हैं, मीन्स ख़राब हो जाएंगे।
ये देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ पूरी तरह से ढक दिए, बट ज़्यादा मत डालिए। हमेशा विंटर्स फ्लावर्स जो लगाते हैं उनके ऊपर उतनी मिट्टी हो, कोई भी अगर वर्मी कंपोस्ट हो, कोकोपीट, उतनी डालें कि आपके प्लांट्स इजीली ग्रो हो सके। अगर आप ज़्यादा इसके ऊपर लगा डाल देंगे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या सैंड, तो देन फिर आपके प्लांट्स को बहुत हार्डली वो ऊपर आएंगे और वो ग्रो नहीं अच्छी तरह से होंगे। और कभी कभी क्या होता है, आपके प्लांट्स ग्रो होते नहीं है और जल जाते हैं, नीचे के नीचे जो जहाँ से वो जर्मिनेट होते हैं वहाँ पर ही गल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और उसके बाद में इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी दे दीजिए। ये देखिए मैंने पानी दे दिया है। पानी आप पहले भी दे सकते हैं, बट बहुत ही थोड़ा पानी दे, ज़्यादा मत दे, बिकॉज़ अगर आपकी जो सॉइल है ये सॉगी हो गई, बहुत ज़्यादा गीली हो गई, तो आपके जो सीड्स हैं वो 100 में से 25 या 30% या उगेंगे नहीं, तो आपके सीड्स ख़राब हो जाएंगे। पेंटोनियास के तो फिर उगते ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने अब इसको पानी दे दिया। पानी देने के बाद कुछ सीड्स दिखाई दे रही हैं, देखिए। तो उसके बाद हम फिर इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, जैसे ये वाला दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की और डाल देते हैं। पानी बाद में देने का ये फ़ायदा है कि आपकी जो सैंड है और इसमें जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को पूरी अच्छी तरह से, इसलिए स्प्रिंकल कर दे ऊपर से। आपके पास स्प्रेयर होगा, या अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो हाथ से ही आप स्प्रिंकल टाइप ऐसे पानी को आराम से इनके ऊपर डाल दीजिए। बट एक बात का ध्यान रखिए कि आपके सीड्स के ऊपर से जो आप वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट या जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो साइड मत हो जाए, बिकॉज़ अगर वो साइड हो गई तो आपके प्लांट्स की रूट्स तो निकल आएंगी, फिर उसके बाद में वो प्लांट खड़ा नहीं होगा, गिरता रहेगा, जिससे उसको फंगस लग जाएगी और आपका जो बेबी प्लांट होगा वो ख़राब हो जाएगा। कैलेंडुला प्लांट भी बहुत ही केयर मांगता है। फिर आपका प्लांट बाद में उग आएगा, उसके बाद में इस प्लांट को वहाँ कभी भी मत लगाए जहाँ की सॉल्ट बहुत ज़्यादा है मिट्टी में और जहाँ का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई लॉन या गार्डन, या गार्डन में कोई ऐसी जगह है जहाँ में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और पीएच लेवल काफ़ी, आपको लग रहा है कि इस मिट्टी का काफ़ी बढ़ चुका है, तो वहाँ पर मत लगाएं। एक तो प्लांट की हाइट कम रह जाएगी और जो फ्लावर्स का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। बस इन बातों का ध्यान रखें। बाकी की जो कैलेंडुला प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो अप्रैल के मिड तक चले जाते हैं, और एक दिन फ्लावर निकलने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 days रहता है। तो फ्रेंड्स बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें कि आपके जो सीड्स लगाते हैं, सीड्स को लगाने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी लें, उसमें सैंड 30% और 30% ही वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लें, उसमें गार्डन सॉइल ले लें या फार्म की सॉइल ले लें, वो आप पर डिपेंड करता है, उसकी कोई बात नहीं है। और जो आपकी लेयर बनानी है, आपके पास कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लें। बट कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो उसको ध्यान रखिए, ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना और ज़्यादा अगर आप छाए में रखे रखेंगे अपने सीड्स को, तो आपके जो सीड्स से वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उनमें फंगस की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए ऐसी जगह में रखें जहाँ पर इनको हवा लगती रहे और थोड़ी थोड़ी धूप आए, उसके साथ प्लस छाया भी रहे। अगर आप प्लांट्स चाहते हैं हेल्दी हो और सिर्फ आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं इनकी लेयर के लिए, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। कोकोपीट में सॉइल यूज़ कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, प्लस या वर्मी कंपोस्ट कर लें। अगर आपके पास कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट है, दोनों को मिक्स कर लें। बट अगर आपके पास कोकोपीट है उसमें सॉइल यूज़ कर लीजिए, सॉइल आपको मिल जाएगी। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर सिर्फ कोकोपीट मत यूज़ करें, बिकॉज़ कोकोपीट पानी को होल्ड कर लेती है। अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिए कई बार तो फिर भी आपके सीड्स नहीं उगेंगे, और अगर आपने किसी टाइम धूप में ज़्यादा रख दिया तो आपके कोकोपीट
वो सूख बहुत जल्दी जाती है, फिर भी आपके सीड्स नहीं उगेंगे। तो फ्रेंड्स बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, विंटर का कोई भी प्लांट हो उसके ऊपर लेयर है जो, वो सिर्फ कोकोपीट की मत बनाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नए नए वीडियोस के लिए, और मैं और भी विंटर्स प्लांट्स के लिए वीडियोस नेक्स्ट ला रहा हूँ, काफ़ी पेंटूनियास, डैंथर्स, पैंजी के ऊपर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो।